हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि की रेसिपी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन। मैंने कई बार बनाया, हर तरीके का मटन बनाया, लेकिन आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल मटन बनाना सिखाऊंगी। सो आइए चलते हैं हमारे किचन, बनाते हैं मटन करी टेस्टी टेस्टी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पंजाबी स्टाइल मटन बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने 1 किलो मटन लिया हुआ है। और ये पंजाबी स्टाइल में मटन हम बना रहे हैं, तो इसमें रिब्स ये ज़्यादा होती हैं। ये माय फेवरेट पीस है, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसे आइए मैरिनेट कर लेते हैं। चम्मच में आपको बता रही हूँ, आप चम्मच सवाल करते हैं कि कौन सी चम्मच। ये हमने खाना जिससे हम लोग खाते हैं उसे 1 चम्मच जीरा पाउडर और धनिया पाउडर एक ही में मिक्स कर दिया है। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, देगी वाली लाल मिर्च जो लाल कर देती है मटन को, वो स्पाइसी वाली मिर्च नहीं है। और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से कुछ कम हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच से कुछ ज़्यादा नमक। ये सारा कुछ हम इसमें जाएंगे मैरिनेट करने के लिए। और थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट, 4 बड़े चम्मच हमने दही लिया हुआ है फ्रेंड्स, नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है हमें, बस इतना। और इस मटन को, सारे मटन को हमें अच्छे से सारे मसालों के साथ कोट करना है। और इसे मैरिनेट करने के बाद हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप चाहें तो 1/2 घंटे भी रख सकते हैं, कोई नहीं, यदि जल्दी ज़्यादा है तो। सारे मसाले हमने मटन में लगा दिए अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से रब करके लगाएं, मटन बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका भी। और इसे हम फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। आइए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, ये सरसों का तेल है फ्रेंड्स, शुद्ध सरसों का तेल। आप देसी घी भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, लेकिन मुझे सरसों के तेल में मटन बना के खाना बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तेल हमारा गर्म हो गया है और हमने 1 मिर्च तोड़ के लिए है और 2 इलायची तोड़ के लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए और 2-3 तेज़पत्ते। ये हमने मसाले डाल दिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे चटक गए हैं। और आइए इसी मसाले में डालते हैं हम, हमने पोथी लहसुन ली थी, हमने मैरिनेट में भी डाला था, सो ये हमने साबुत ली, इसे काटा नहीं। और 2-3 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के टमाटर, और इसी के साथ हमने कम से कम 300 ग्राम प्याज लिया है, तो हम थोड़ा प्याज भी फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। प्याज, ये सारे मसाले टमाटर प्याज हम फ्राई नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ थोड़ा सा नरम करना है, मुलायम करना है बस। आखिरकार में इसका हमें पेस्ट बनाना है, और इसे थोड़ा सा मुलायम कर लेते हैं। और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अनुसार हमने मैरिनेट भी डाला था, तो फ्रेंड्स ध्यान से नमक डालें। ये देखिए हमने नमक भी डाल दिया है, और इसी के साथ हम इनको थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। जब तक ये हमारे प्याज टमाटर नरम हो रहे हैं, तब तक हम बाकी का बचा प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। प्याज और लहसुन का भी हमने ये पेस्ट बना लिया है, और इसको एक तरफ रखते हैं। और ये मसाला भी हमारा प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। और फ्रेंड्स, एक बात और है, अगर आप चाहें तो ये मसाले जो हैं निकाल के फेंक सकते हैं, यदि आपका ग्राइंडर अच्छा है तो आप उसमें डाल के पीस लें, क्योंकि ये मसाले भी सॉफ्ट हो चुके हैं, आसानी से पीस जाएंगे फ्रेंड्स। और मैं भी पीसूँगी इन्हें, और यदि आप चाहें तो इसको फेंक भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। आइए डाल देते हैं तेल, हमारा 1 केजी मटन है, सो मैं 100 ग्राम तेल डालूंगी। तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं,
और फ्रेंड्स हम फ्रिज से मटन लेके आए हैं और ये बहुत ही ठंडा है और इस तेल में कोई मसाले नहीं डालने क्योंकि हमारा मटन मसाला है ही काफ़ी। सो हम इसमें डाल के अपने मटन फ्राई कर लेते हैं। ये देखते हैं मटन हमने सारा डाल दिया फ्रेंड्स तेल में और इस मसाले के साथ इस मटन को हम 6-7 मिनट ये लगभग 10 मिनट हम भूनेंगे। मटन हमारा फ्रेंड्स अच्छे से भून चुका है और इसे भूनने में हमें 8 मिनट लगे हुए हैं और हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मटन फ्रेश होना चाहिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से पकाएंगे। मटन हमने निकाल लिया फ्रेंड्स ऐसे एक तरफ रख देंगे और आइए अब हम डाल देते हैं मसाले। ये मैंने प्याज और लहसुन और मैरिनेट मसाला सारा हमने एक मिक्स करके रख दिया है और कोई मसाले नहीं डालने बस इसको डाल देंगे हम तेल में। ये गया मसाला हमारा और ये मसाला हमारा प्याज टमाटर सारे जो मसाले हमने डाले थे इलायची तेज़पत्ता दालचीनी ये भी हम डाल देंगे। ये इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे और आइए आप थोड़े से स्पाइसी सूखे मसाले एक चम्मच मटन मसाला ये होममेड मसाला है फ्रेंड्स मैंने घर पर ही बनाया है और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर स्पाइसी वाली और एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक। नमक आप ध्यान से डालें फ्रेंड्स क्योंकि मैंने मैरिनेट में डाला था प्याज टमाटर जब हमने सॉफ्ट किए तो उसमें डाला था तो हिसाब से ही डालें फ्रेंड्स अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस मसाले को हम कम से कम 10-12 मिनट भूनेंगे ऑयल ऊपर आने तक। इसमें तो टाइम लगेगा जब भून जाएगा तो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है ये देखिए और इसे पकते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं फ्रेंड्स और बीच बीच में हमने चलाते हुए इसे देखा था कि हमारा मसाला पका है कि नहीं पका। अभी अच्छे से पक चुका है ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है ये देखिए और अब डाल लेते हैं इसमें हम मटन। धीरे धीरे फ्रेंड्स मटन डालें क्योंकि हमारा मसाला पक रहा है और उसकी छींटे अच्छे से उड़ रही हूँ ऊपर को। ये हमने इसलिए हटा लिया कि ये मसाले में जाके गल जाएंगे और जब पक जाएगा तो उसके बाद हम ये इसको डाल देंगे। अब इसे हम मसाले के साथ 3-4 मिनट तक और चलाएंगे और फिर पानी डाल के 20 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स सारे मसालों के साथ हमने मटन को 4-5 मिनट और भून लिया है और आइए अब इसमें डाल देते हैं पानी। ग्रेवी जितनी आपको खानी हो मुझे जितनी खाने हैं उसने हिसाब से ही बनाऊंगी और अभी ये पकेगा तो उसमें और भी पानी लगेगा पकने में मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी फ्रेंड्स इतना। ये हमारा ग्रेवी वाला मटन अच्छे से बन के तैयार होगा और इसे कम से कम हम 30-35 मिनट और पकाएंगे और ग्रेवी हमारी अच्छी खासी रहेगी। ये देखिए न ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी सो इसे हम ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारा मटन अच्छे से पक चुका है ये देखिए बहुत ही फ्लेवरफुल है फ्रेंड्स और इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है
सो फ्रेंड्स, मटन हमारा प्लेटिंग कर दी है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, टेस्टी तो बहुत ही है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप भी आ जाइए मेरे साथ मटन खाने के लिए। और ये बहुत ही टेस्टी बना फ्रेंड्स, ये देखिए कितना लाजवाब है हमारा ये मटन। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।